भैया मतलब लामा सफर दे भैया इस तो गला ही संग करना चाहना कभी ना आवन नाली बीबी आ गई बाजार बेच मैं सत्र जावा एक घर बेच कड़ियां पा के आई है एक घर एक कनिष है जिस नाम है शरीर आलिया को कुरान पढ़ती रही जो इस शरीर की शादी होने लगी है तो इस अर्ज की ताई मखदूमा मेरे वास्ते मेरे नाल वादा करो जो यूसुफ सीरा पाओ यूसुफ सोने अकबर नो सीरा पाओ कनीज नो याद करे आलिया की ने वादा की ताई मैं वादा कर दिया कि फकत याद करना नहीं मैं इसे अकबर सीरा पा के तेरे घर लेके आओ शाम मैं बिस्मिल्लाह करा वादे मुताबिक करीब थी अकबर की बारात लेके कनीज के घर में चाहिए इस ना समझाता इस कैदी समझ इस दरबार की था कि टूटी टूटी आलिया सिंह ने खोल आई है तो सामने खड़ो के दी कैदन थोड़े बढ़िया है कि थी घर में कनीज अपने मुर्शिदा के सामने खड़ो के कभी कैदन कुर्सियों को थोड़ी मर्जी एक कुर्सियों के लाल में जमीन तक खरीदा में छाया इतने बहुत थोड़ी मर्जी बीबी बाबा जी हाथ में चढ़ कड़िया हाथ में चढ़ लो ये जेवर मेरे सैन कुर्सियों में पुलों गुजरी है शरीर खड़ो के भी दिख रही है एक कैदन थकी है मतलब कलीन के बवे देखा मेरे पास मेरे सैन कलीन ने गोल आई अपनिया पूड़िया के नाल कलीन पास हटाए तो लोग के फरमाते शरीर मेरे कलीना के बाण के मौसम गुजर गए मैं सदके जावा सोने हर के थे मौला माता मधुर फरमा बिस्मिल्लाह करा मेरे कलीना के बाण के मौसम गुजर गए मेरा बड़ा नुकसान होया मैं सदके जावा इस हर कहने के चेहरे पास वेदी दुआ मंगनी कि शाला आज वादा भी अकबर की बारात है अल्लाह खैर करे कि आप बीबी को गई बीबी किस शहर की कोई हुक्म किसी शायद कोई ड्यूटी बीबी फिर किसी शायद कोई लोड नहीं क्योंकि ये सलूक मखदूमा हुक्म किया है तेरे घर को कैदी आवे ना तो वो ना चंगा सलूक करी ये मखदूमा के हुक्म से हर बीबी उड़ गई है हर बीबी कार के अंदर किसी शायद कोई लोड नहीं अचानक इनकी नजर पड़ी है ये छोटियां दिया ना बैठो एक बच्ची है जिन्हें हाथ पसे दर्द बदे हो बिस्मिल्लाह कर उसे तो उतना जितना पैन बिराल मंजूर हो सीधा आप उसने पसे कदर बदे हुए कन्ना जो ना जो फोन बंद आ गया है कभी सजा पैर चल रही है कभी खपा पैर चल रही है बिस्मिल्लाह कर वो ना सुन दो फरमा ये यार बंदा मैं कर दो बंदा ये शरीर तुल पाई है टूटी टूटी है शरादी तो बोल आई है ते मैं के लिए छोटी कैदन मेरा सलाम होए मसूमा फरमा मेरा भी सलाम होए मैं के लिए छोटी कैदन जिन्हें बड़िया कैदन आई ये कुछ नहीं मंगदियां तू कुछ मांग चाह जुमला सुनिया बीबी का तू कुछ मांग चाह मैं खुदम और लोग के फरमाते का सिंहंगे जाने खानदान ना तल्ला कहीं रख रही है तो मैं सदके जाऊँ बिस्मिल्लाह का सदके जाऊँ आज सिंहंगे जाने खानदान ना तल्ला कहीं रख रही है सर तो रहे के पैर ने पीछा छोटी बच्ची है कि अंदर दावा बड़ा जो मंगे ना खानदान नहीं आदि बच्ची अगर तू कुछ नहीं मंगती मैं कुछ मंगा बीबी क्या मांगना चाह रही है सोच के मंगे मैं हाँ कह दें बीबी क्या मांगना चाह रही है आदि और कुछ नहीं फकत दो दुआवां मंचा बीबी आदि ये साढ़े रोटे काफिर बीबियां तो और भी मौजूद हैं उन दुआ क्यों नहीं आखी इन दुआ तो क्यों आदि पई है आदि छोटी क्या दिन तू जान भी नहीं मदीने में एक सहदा थे बीबी अक्सर सरकंदे शरीफ याद रखी छोटे बच्चे की दुआ ते वे जो क्या दी दुआ अल्लाह खाली नहीं बनाना ते वे कदे बच्चे तेरे विच दोवे गल्ला मौजूद है तू बच्ची भी है तू कैदर भी है तू बच्ची भी है तू कैदर देख मेरे पास से तू बच्ची भी है तू कैदर भी है बीबी रस्सियां जो गर्दन फेर के धर्मनी बात आप ना अपना तारुफ करावा बीबी यदि मैं बच्ची भी हां मैं कैदर भी हां नाले मैं यतीम भी हां तो मैं सदके जावा मौला माता मदद फरमा बिस्मिल्लाह करा मैं बच्ची मियां मैं कैदर मियां नावे मैं यतीम मियां आज तेरा अपना मुकद्दर है तेरी अपनी किस्मत है मिन्नत ला
आज दुआ मंचा बीबी आदि केड़ी दुआ मंगा आदि पहले दुआ मंचा शाला ते साईं दी ज़ियारत जल्दी होवे बाद ते आज दा हस पता नहीं जे दा क्यों नहीं आई बीबी क्योंकि दुआ मंगन बस बंदा हाथ समझे ना बीबी हाथ ते बदन कौन गया ना मिला ते दुआ मंगी आदि बच्ची बड़े सुन दुआ मंगी बीबी आज होश ये इस मकाम ते आदि छा बच्ची जे के दुआ मंगी है ना ਇਹ ਬੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗ ਜਾ ਸ਼ਾਹ ਯੂਸਫ ਸੋਹਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਜੇ ਤੇ ਮਰਨ ਬਾਰਾਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਈ ਇਹ ਇੰਜ ਰਸੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰੀ ਸ਼ਰੀਰ ਜੰਜ ਆਈ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਕਾਬਲ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਾ ਮਾਤਰ ਮਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬੜੇ ਮਤੂਲ ਮਦਰਸ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੰਜ ਆਈ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਕਾਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਹਾਈ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਆਦੇ ਬੱਚੀ ਦੋ ਦੋ ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਇਤਮਨਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸਰਗੁਣ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਚਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇ ਮੰਗੋ ਲੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਦਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਬੀਬੀ ਦੇ ਛਾ ਜੇ ਸਭ ਦੇਵਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨਾ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਫਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਆ ਫਕਰ ਸਨ ਰੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ कोई नहीं ਵੇਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕਰੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਕਬਰ ਸਿਰੇ ਫਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਕਸਮ ਕੀ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਤ ਕੋਈ ਮਸਤੂਰ ਉੱਚਾ ਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ਗਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਉੱਚਾ ਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟ ਦੀ ਤੁਦੀ ਉੱਚੀ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਆਲੀਆ ਸੈਂਟ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਮਸੂਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਭੂਪੀ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਗਈ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾਵਾਂ ਨਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਤਰਾ ਨਰੋ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਸ਼ਰੀਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਰ ਬੀਬੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਖਾ ਵੇਣ ਆਇਆ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀ सदके सदके सदके